हेलो एंड वेलकम टू टेक इट एसी। सो गाइस, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पूरा एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा वेब डेवलपमेंट एक तरफ से देखेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो वी आर गोइंग टू सी वेब डेवलपमेंट। सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज वेब डेवलपमेंट लाइक दिस। ओके, लेट्स प्रोसीड। नाउ यू विल नो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। सो आई हैव रिटन हियर, web development is the process of building and maintaining a website for the internet that is accessed through a web browser and hosted on a server. web development ek aisa process hai jiske through hum log kya karte hain, websites ko banate hain, jo isko kahan rakhte hain, website ko hum kahan rakhenge, server pe rakhenge obviously, aur usko hum access kaise karenge, web browser se through. it's so easy. सो वेब डेवलपमेंट कुछ और नहीं है बल्कि क्या है कि वेबसाइट को कैसे बनाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, ऑल दिस थिंग्स कम्स इन टू द वेब डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट कम्स फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। पीपल मेनी पीपल कन्फ्यूज इन दिस। नाउ लेट मी क्लियर योर डाउट्स हियर। एक फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है, बैक एंड डेवलपर कौन होता है? एक्चुअली जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है, इफ़ यू ओपन एनी साइट, वाट एवर यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी कुछ आप देख रहे हैं कि इमेज यहाँ है ना, ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये टेक्स्ट कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, तो दीज आर क्या, ये सब क्या है? ये सब फ्रंट एंड डेवलपर का काम है कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ रहेगा, किस फॉन्ट में रहेगा, या कौन सी इमेजेस कैसी रहेगी, ऑल दिस थिंग। समझ में आ रहा है? बस आप पढ़ भी सकते हैं इसमें लिखा है क्या, हमने लिखा है The front end is a part of the website. Users can see and interact with such as the graphical user interface, है ना? The command line, including the design, navigating menus, text, images, videos, all these things. आप front end में जो भी देख रहे हैं आप अपने सामने, वो सब front end का काम है। Front end developer क्या करता है कि कौन सा text कैसा किस font में रहेगा, images को कहाँ लगाना है, कौन सा navigation कैसे होगा, videos कहाँ रखने हैं, that's it. और बैक एंड डेवलपर को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है आपके जो बैक में हो रहा है, लाइक डेटाबेस स्टोर हम कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग द डेटा इन द डेटाबेस, है ना, वी आर मैनेजिंग सम डेटा। और यू कैन थिंक ऑफ एन एग्जांपल, सपोज यू हैव अ वेबसाइट, ओके, एंड यू वांट टू कीप द डेटा ऑफ 10 स्टूडेंट्स, सपोज द डेटा इज ईमेल आईडी, यू वांट टू स्टोर द ईमेल आईडी ऑफ 10 स्टूडेंट, आप 10 स्टूडेंट का ईमेल आईडी स्टोर करना चाहते हैं, तो कैसे होगा भाई? बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, एक डेटाबेस बनाएगा, ही विल क्रिएट अ डेटाबेस वेयर यू विल कीप ऑल दोस डेटा। ओके, सो बैक एंड इज अ पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यू कैन नॉट एक्चुअली इंटरेक्ट विथ एंड यू कैन नॉट सी इट ऑल्सो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वी विल सी हाउ वेबसाइट वर्क्स। नाउ लेट सी हाउ एक्चुअली वेबसाइट वर्क, वेबसाइट वर्क कैसे करता है। तो यार जब भी हम कुछ भी टाइप करते हैं, लाइक वी हैव टाइप google.com, ओके, तो ये करेगा क्या हमारा google.com, हमारा ब्राउज़र करेगा क्या, कि ब्राउज़र क्या करेगा, इंटरनेट को एक रिक्वेस्ट भेजेगा एक इंटरनेट को कि हे जस्ट फाइंड वेयर इज़ google.com। सो इंटरनेट क्या करेगा, लेट मी शो यू, ओके, करके दिखाते हैं आपको हम google.com। हमने क्या किया, अपने ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट भेजा इंटरनेट को google.com। तो ब्राउज़र ने क्या किया, ब्राउज़र हमारा क्या आ गया, इंटरनेट के पास, इंटरनेट से बोला भाई गूगल खोज दो कहाँ है। तो गूगल भाई सर्वर पे होगा ना हमारा वेबसाइट, हम कहाँ होस्ट करते हैं, हम लोग अपना वेबसाइट सर्वर पे होस्ट करते हैं ऑब्वियसली। सो इंटरनेट विल गो टू द सर्वर and it will request to the server, hey, it will tell to the server, hey server, do you know where google.com is, and the server will say yes, of course I know. So internet will say please give me its address, and server will say yes, of course I am giving, and then the server will give the address,
and which is in the form of response to the server. The internet will give the response from the server and it will provide you a response to your browser. That's how a website works actually. Now let's move towards our basic requirement to build a website. So यार वेबसाइट्स बनते कैसे हैं? वेबसाइट्स एक्चुअली बनते हैं हमारे लैंग्वेज के कंपोजिशन से. लाइक वी हैव HTML5, CSS3 एंड JS. ओके, HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज. लाइक वी हैव मोर मार्कअप लैंग्वेज लाइक XML also. ओके, CSS इट्स यूज फॉर स्टाइलिंग. मेन पर्पज इज कॉल स्टाइलिंग. इन JS यू कैन सी अ फंक्शन लाइक वी हैव टू ब्यूटीफाई आवर वेबसाइट. सो यू कैन यूज JS. आप ऐसे समझ सकते हो कि यार HTML क्या हमारे कंकाल है. बिल्कुल एकदम खाली सा बोन. सिर्फ हमारे बॉडी में सिर्फ हड्डी हड्डी है. कुछ एकदम देख रहे हैं बेढंगा सा लग रहा है. मीन्स यू कैन थिंक इट लाइक हाँ ठीक ठाक है. मतलब बस यूं ही चल रहा है. हाँ अच्छा लग रहा है देखने में. कुछ लग रहा है इंसान की हड्डी है ना. अब इस पर क्या करते हैं हम लोग? मांस चढ़ाते हैं. फ्लैशेस मसल्स डाल दिया हमने. स्टाइल कर दिया इसको है ना. लग रहा है हाँ कुछ कुछ अच्छा लग रहा है. बट अगर हम इसको क्या करें, स्किन लगा के कुछ कपड़े वपड़े पहना दें अच्छे से है ना, तो क्या ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है. लग रहा है ना इंसान है एक अच्छा सा है ना. तो ये कपड़े पहनाने वाला काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट चलता करता है. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड अहेड. वन वी हैव HTML. HTML क्या करता है? HTML प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द साइट्स. लाइक व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी? Here, the bones, and the bones are structured in a manner. Basically, it's structured in a manner like it look like an skeletal system. Okay. So HTML is nothing but a basic structure of sites, which is enhanced and modified by other technologies like CSS and JavaScript. We can use CSS to beautify our websites. Beautify means formatting and styling, color, background effect, adding images too, and these all these things. And JavaScript is mainly used to control the behavior of different elements. Like we are clicking somewhere else. Like you see google.com, and if we click here and write something, okay. So you may see all the things coming here. No, so how it comes? The JavaScript, okay, it will use to control the behavior of the elements. Okay, now moving further, we are going to use VS Code as your code editor. So let me introduce you to a new thing which is known as VS Code. VS Code is an editor. You can use Atom, Notepad, Notepad++. It's on you, but it's not recommended to use Notepad or Notepad++. इसमें देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं. अब मैं आपको इसमें कुछ बताते हैं फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं. लाइक आप पहले VS Code खोलिए, उसमें एक फोल्डर बना लीजिए. लेट अस क्रिएट अ न्यू फाइल नेम्ड index.html. सो एज यू क्रिएट अ फाइल इट विल सो हियर. या index.html आपका बन के तैयार है. अब आपको करना क्या है? यार हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में एक अच्छी बात क्या है, देखो तख्ता भक्ता एकदम बात बता रहे हैं भाई. सुनो, विजुअल स्टूडियो कोड में अगर हमने क्या गया एक्सक्लामेशन साइन लगा के इंटर मार दिया है ना, देख रहे बॉयलर प्लेट दे रहा है बिल्कुल है ना. बॉयलर प्लेट मतलब यार HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमको मिल गया. हमको इतना सब टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है ना. सो इसलिए भी VS Code अच्छा होता है. सो लेट अस टाइप हियर टेकी टेसी. सो ओके फाइन. सो लेट मी इंट्रोड्यूस समथिंग सम टर्म्स. VS Code क्या है ना. सो आपको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेने चाहिए उससे पहले. लाइक लाइव सर्वर, यू हैव अ लाइव सर्वर. इफ यू सर्च अपन लाइव सर्वर यू विल गेट दिस लाइव सर्वर.
बाय ऋत्विक देव। ओके, यू नीड टू इंस्टॉल दिस। ये क्या करेगा, आपके जो कोड है उसको रन करता रहेगा, एज मतलब आपने जो भी चेंजेस किया इधर सेव किया उधर रन हो जाएगा। ओके, आपको बार बार इसमें जाके उसमें रन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नाउ लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस। वी यूज HTML टू क्रिएट वेब पेजेस। ओके, HTML का मोस्टली यूज वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में ही होता है। हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस आर HTML डॉक्यूमेंट्स आर लिंक टूगेदर। हाइपर टेक्स्ट मीन्स लिंकिंग लिंकिंग ऑफ द पेजेस। एक्चुअली इफ यू गो टू द वेबसाइट लाइक गूगल, आप यहाँ आ गए, यू इफ यू क्लिक ऑन गूगल सर्च इट विल गो अनदर पेज, इट विल गो टू द अनदर पेज। इफ यू फील आई एम फीलिंग लकी दिस विल गो टू द अनदर पेज। ओके, सो ये सब हो क्या रहा है एक्चुअली, दिस पेजेस आर लिंक टूगेदर, दिस पेजेस आर लिंक टूगेदर। ओके, दिस पेजेस आर लिंक टूगेदर विच इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट। Does the link available on web pages called hypertext? So these are the links. These are the links. These are the links. These are called hypertext. Okay, the blue color. And HTML is a markup language, which means you use HTML to simplify markup, a text document with text that tells the web browser how to structure this page. Okay. Now let me introduce about some basic HTML document. I have told you earlier. How to get this boilerplate? You need to do nothing but, let me delete this and type again. You need to only do exclamation sign, and here you can see here emet abbreviation. Just click enter, and you will get the boilerplate. Okay. And one more way. There is one more way. You can type HTML5. And then enter, you will also get a boilerplate here. Okay, so there are lots of ways, and VS Code यार बहुत ही अच्छा code editor है, बहुत ही simple, बहुत ही आसान और catchy है, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, है ना। So let's get started with HTML. तो सबसे पहले आपको कुछ बताते हैं tags क्या होते हैं। Tags are actually देखिए like these are tags which are enclosed in braces. जो भी ब्रैकेट्स में इंक्लूड हैं जैसे लाइक दिस HTML ना, अगर हम HTML की बात करें देखिए ये एंगुलर ब्रैकेट्स में क्लोज्ड हैं, तो ये क्या है, HTML एक टैग है, हेड क्या है एक टैग है, मेटा क्या है एक टैग है। नाउ इफ यू सी कैर सेट, व्हाट इज कैर सेट, इट्स एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ द टैग। मेटा का एक एट्रीब्यूट है, मेटा एक टैग है, लेकिन कैर सेट क्या है, एक एट्रीब्यूट है। सेम लाइक वी हैव बॉडी is a tag, HTML is a tag, head is a tag, title is a tag. Okay, you can give a title here, anything like which you like I am learning, or you can give anything, any title you want, like title, anything title you can give. Okay, so there are two types of tag, no? Closing tag and opening tag and closing tag. And whenever you open a tag, make sure you also end that tag. Okay, like HTML we have opened here and we have closed this HTML tag. Okay, now moving further, let me introduce you some of the heading tag. Let me tell you some heading tag. इनसाइड बॉडी वाट एवर हम लोग जितना भी कोड करते हैं, जो भी कुछ कोड करना है हमको, सब कुछ बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर जैसे हम लोग मान लीजिए पी टैग यूज करें, पी क्या है, पैराग्राफ टैग। देखा आपने कैसे लिखा हमने, विजुअल स्टूडियो कोड का कमाल देखिए आप, बस आप पी लिख के इंटर करिए और ये पैराग्राफ टैग आपका बन के आ जाएगा। ओके, जस्ट राइट पी एंड जस्ट क्लिक इंटर एंड यू विल गेट दिस टैग, विच एवर टैग यू वांट, just write this and click enter, you will get. So we will write
हेलो हेलो, वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट ओके। नाउ इफ यू सेव एंड रन दिस, इफ यू सेव एंड रन दिस विथ लाइव सर्वर, जस्ट वेट लाइक दिस सीन। इट्स यहाँ पे लिख क्या रहा है, स्टार्टिंग पोर्ट 5500। मीन्स क्या है कि आपको एक यार लाइव बन के देगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टेक इट ऐसे लिखा था अपने हेडिंग में, है ना। लुक, हमने टाइटल क्या दिया था, टेक इट ऐसे दिया था यहाँ पे। सो टाइटल क्या करता है, टाइटल हमारे टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। हमारे टाइटल कहाँ डिस्प्ले होगा, टाइटल बार में। ओके लेट मी, नाउ यू विल सी द लाइव डिप्लॉयमेंट। लाइक इफ आई क्रिएट समथिंग न्यू, लेट मी टेल यू अबाउट हेडिंग टैग। हेडिंग, देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ हेडिंग इन HTML, H1 to H6। लाइक H1 to, लाइक यू क्रिएट H1 to H6। वी राइट हेलो, वी कैन लाइक राइट लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके नाउ देखो, जैसे ही सेव किया हमने, यहाँ पे लाइक लाइव बिल्कुल रन हो गया है कोड हमारा, ठीक है। ओके सो दीज आर द फीचर ऑफ सम वीएस कोड एक्सटेंशन लाइव सर्वर। सो देयर आर सिक्स टाइप ऑफ हेडिंग। देखिए भाई, अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट और बताते हैं। अगर आपको सेम लाइन नीचे कॉपी करना है तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल डी डाउन यूज़ करेंगे। लाइक यू नी यू यूज़ कंट्रोल डी 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 डी। ओके एंड वन मोर थिंग टू नो, इफ यू वांट मेनी कर्सर्स, यू कैन यूज जस्ट अल्ट एंड क्लिक वेयर यू वांट कर्सर। जहाँ पे भी कर्सर चाहिए वहाँ वहाँ क्लिक करिए, अल्ट दबा के, अल्ट के साथ आपको कर्सर मिल जाएगा। ओके सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, H2 करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि यहाँ पे सिक्स तरीके के हेडिंग्स हैं, छह तरीके के हेडिंग, तो सबको देखते हैं यार बारी बारी से। H1 to H6, लाइक अब हमने ओपन किया है तो बंद भी करना है। दीज आर सम टैग्स विच नीड्स टू क्लोज, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। एंड यू नो, यहाँ पे देखिए आप, सो H1 वी कैन से, यहाँ पे क्या H1 जो होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारी। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, लाइक फिर धीरे 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 सब छोटे होते जाते हैं, फिर H6 हमारे पास सबसे छोटी हेडिंग बन के आती है ना। तो ये सब हेडिंग था, आगे देखते हैं क्या है। लेट अस मूव फर्दर, वी हैव सीन हेडिंग टैग, वी हैव सीन पैराग्राफ टैग। नाउ इट्स योर होमवर्क टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स इन विजुअल स्टूडियो कोड। देर आर सम टैग्स लाइक HTML टैग, दिस इज द रूट एलिमेंट टैग। ओके यू एंड इट इज द कंपल्सरी टू राइट HTML। सिमिलरली हेड टाइटल, हेड क्या है, दिस टैग डिस्टिंग्विशेस द हेड ऑफ द वेब पेज फ्रॉम द कंटेंट। दिस इज वेयर यू पुट जावास्क्रिप्ट कोड और गिव मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइट। सिमिलरली टाइटल, टाइटल मीन्स वाट यू वॉन्ट टू डिस्प्ले इन द टाइटल बार। लाइक हियर आई हैव शोन इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, इफ यू टाइप टाइटल टेक इट एसी, यू विल गेट टेक इट एसी एज अ टाइटल। सो बॉडी, इन बॉडी वी यूज टू टाइप द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। ऑल द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज रिटन इन द बॉडी टैग। मीन्स असली कोडिंग तो यार बॉडी में ही होती है। समझे, हेडिंग टैग होते हैं H1 से H6 तक हेडिंग टैग होते हैं। देखिए लिखा ना, दिस इज द हेडिंग टैग विच क्रिएट्स द टाइटल बाय मेकिंग टेक्स्ट बिगर एंड मेकिंग इट बोल्ड। देर आर सिक्स हेडिंग टैग्स H1 to H6 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। H1 इज द लार्जेस्ट, H6 इज द स्मॉलेस्ट। व्हाट अबाउट पी टैग, पी इज द पैराग्राफ टैग। ओके एंड वॉट अबाउट वी आर टैग, लेट अस यूज वी आर टैग इन आवर
कोच। लाइकवाइज आई एम यूजिंग वी आर, लाइकवाइज आई एम ऑल्सो यूजिंग हियर वी आर। सो वी आर एक ऐसा टैग है यार जिसको हमको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इट नीड नॉट टू बी क्लोज, अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो इट विल नॉट इफेक्ट, तब भी चल जाएगा। लाइक देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पेस आ गया, स्पेस आ गया है ना, स्पेस बन के आ गया। तो वी आर क्या करता है, एक स्पेस क्रिएट कर देता है यहाँ पे दोनों लाइन्स के बीच में, एक लाइन ब्रेक करता है। ओके एंड सिमिलरली इफ यू यूज एच आर, नाउ हियर इफ यू यूज एच आर टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, सो व्हाट विल, दिस इज आल्सो अ टैग विच यू नीड नॉट टू बी क्लोज, जस्ट लाइक रन लाइक यू सी हियर द हॉरिजॉन्टल लाइन कम्स, सो एच आर मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन्स विल बी कम। ओके ओके गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। सो लेट अस मूव फर्दर, देयर आर सम दीज टैग्स लाइक स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग मेक्स योर टैग, स्ट्रॉन्ग मेक्स योर टेक्स्ट बोल्ड, ई एम टैग विच इम्फेसाइज आर इटैलिक द टेक्स्ट, एच आर मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल टैग, सब मीन्स सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ए मीन्स हाउ टू राइट अ लिंक, ऑल दिस। सो दिस इज योर होमवर्क, यू नीड टू ट्राई दिस टैग्स ऑन अ सेंटेंस। ओके जस्ट जस्ट ट्राई दिस ऑल दिस टैग्स ऑन अ सेंटेंस, विच एवर सेंटेंस यू वॉन्ट यू कैन यूज इट, एंड दिस इज योर होमवर्क, एंड कोड दिस विद दिस टैग्स एंड कमेंट विद कमेंट योर कोड राइट बिलो, एंड आई विल चेक इट सून। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दिस आर, ये सब होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है ना। तो ये सब आपके होमवर्क हैं, ये सब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। अगर आप कुछ इमेज ऐड करने हैं, इफ यू वांट टू यूज एन इमेज यू कैन यूज IMGSRC टैग। ओके यू कैन यूज IMGSRC टैग, इफ यू वांट टू यूज CSS फाइल यू कैन यूज लिंक रेल स्टाइल शीट HREF स्टाइल CSS। सिमिलरली यू कैन ऐड अ जावास्क्रिप्ट फाइल टू बाय यूजिंग स्क्रिप्ट SRC टैग। सो दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन डू योर होमवर्क एंड पेस्ट योर कोड इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट हाउ कैन इन्हेंस आवर वीडियोज़। थैंक यू।